हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के ऑनलाइन टेस्ट में भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इस टेस्ट को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। फरवरी 2019 के ट्रिपल सी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये रीजन वाइज रिलीज किया जाता है रिजल्ट। तो आप अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रिलीज नहीं किया गया है, नॉट अपलोडेड आ रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करें, 1 से 2 हफ्ते के अंदर सभी के रिजल्ट रिलीज कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, आपके मोबाइल पर एक SMS आता है, उसमें लिखा रहता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों ने ट्रिपल सी का एग्जाम इस बार क्वालिफाई किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 दिन सिर्फ तैयारी की और उनका एक अच्छा ग्रेड आया है। तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आपका भी एक अच्छा ग्रेड आएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जब भी आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस जरूर तैयार करें। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखें। 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखते हैं तो क्या होता है, कई बार सेम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। उस केस में अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखे हैं तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप 100% उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर दे पाएंगे। तो हमेशा से सजेशन रहता है मेरा, आप जब भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करें तो सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। सिलेबस पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 41 वीडियोस हैं। अभी आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है वीडियोस और ऐड हो जाएं, तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं और यहां से आप ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे ट्रिपल सी के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको PGP ईमेल में क्या सुविधा प्रदान करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में PGP का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो प्रेटी गुड प्राइवेसी का फुल फॉर्म होता है। आप चाहे तो अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जो कि हमारी ईमेल को इनक्रिप्ट कर देता है। इससे अगर कोई ईमेल को हमारे हैक करता है या किसी तरीके से उसे हैक करने की कोशिश करता है, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो उसको वो एक्चुअल मैसेज नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मिनिमाइज की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप कई सारे विंडोज आपके डेस्कटॉप पे ओपन है, उन सभी को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, Windows + M शॉर्टकट की होती है विंडोज को मिनिमाइज करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। स्टार टोपोलॉजी में सिस्टम्स डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं, इसमें बीच में हब या स्विच यूज किया जाता है जिसके थ्रू बाकी सारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन की बात करें तो मेस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जहां पे सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट को दाएं तरफ से डिलीट करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं। मीन्स इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे या कौन सी की यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel में 2D 3D क्या है, या कौन सा ऐसा MS Excel का कंपोनेंट है जिसको 2D या 3D में डिस्प्ले किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ट। चार्ट को हम 2D या 3D में दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS Excel में संख्या मींस नंबर सेल के दाएं तरफ और टेक्स्ट सेल के बाएं तरफ अलाइन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आप MS Excel के किसी सेल में नंबर या टेक्स्ट इनपुट करते हैं, तो नंबर की बात करें तो ये हमेशा दाएं मींस राइट तरफ अलाइन होते हैं, और अगर टेक्स्ट की बात करें तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू।
ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द की पर्यायवाची किससे देखते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करके किसी भी शब्द की पर्यायवाची देखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, थेसारस। एक ऑप्शन होता है जिससे हम किसी भी शब्द की पर्यायवाची देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में किसी पिक्चर को बैकग्राउंड के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि पिक्चर को हम किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग से फाइल को सेव नहीं कर सकते? तो सबसे पहला ऑप्शन है Ctrl+S, अगला ऑप्शन है फाइल मेन्यू के अंदर सेव ऑप्शन को यूज करके, अगला ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार में सेव ऑप्शन को यूज करके, या फिर Ctrl+X। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+X से फाइल को सेव नहीं किया जा सकता। जबकि अगर हम Ctrl+X की बात करें तो एक शॉर्टकट की होती है कट के लिए, इसको हम यूज करते हैं, तो कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल को स्प्लिट नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अब अगर हम कई सेल को एक साथ मर्ज करते हैं तो उन सेल को हम स्प्लिट कर सकते हैं, अगर आप सिंगल सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, .dmp, .bmp, .jpg और .gif में DMP सबसे अलग है, क्योंकि आप पिक्चर नहीं रखते हैं, मीन्स इस फाइल में हम पिक्चर नहीं रख सकते हैं, या इस टाइप की जो फाइल होती है वो पिक्चर फाइल फॉर्मेट नहीं है। और ये क्वेश्चन पिछले महीने SSSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। जो DMP फाइल होती है वो डंप फाइल होती है, और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे BMP, JPG और GIF की, तो ये सभी एक पिक्चर फाइल फॉर्मेट होते हैं या फाइल एक्सटेंशन होते हैं जिनको हम पिक्चर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर सेलेक्ट करने पर उसके 8 बिंदु दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आपने वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में आपने किसी पिक्चर को इंसर्ट किया है, तो अगर आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि चारों कॉर्नर पे एक एक डॉट दिखता है, जबकि जो भी हमारा वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं उन दोनों लाइंस के बीच में भी एक एक डॉट दिखता है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल डॉट्स को काउंट करेंगे तो आपको वहां पे टोटल 8 डॉट मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, पिक्चर सेलेक्ट करने पर उसमें 8 बिंदु दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल की विषय वस्तु किस में दिखाई पड़ती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद लिफाफा इनबॉक्स में प्रदर्शित करता है कि ईमेल पढ़ा नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, और ओपन एनवेलप जो होता है वो ये शो करता है कि ये ईमेल रीड किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, किसी ईमेल में कोने पर पिन की हुई ईमेल अटैचमेंट दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू, जब किसी ईमेल में कोई भी अटैचमेंट होता है तो वहां पे एक क्लिप दिखती है जो कि अटैचमेंट शो करता है कि इस ईमेल के साथ में एक अटैचमेंट है, मींस अलग से कोई फाइल उसके साथ उस ईमेल के साथ अटैच करके भेजी गई है। अगला क्वेश्चन है, एसटीपी केबल में RJ45 कनेक्टर का उपयोग होता है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहे तो इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। STP का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है, सील ट्विस्टेड पेयर इसका फुल फॉर्म होता है। RJ45 एक कनेक्टर होता है,
और इसको हम एसटीपी केबल के साथ में यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। पिछली मींस प्रीवियस वर्कशीट पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि प्रीवियस सीट पे जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप और नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2003 में अंतिम सेल एड्रेस है और इस क्वेश्चन के बेसिस पे कई और क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहां पे आप देख पा रहे होंगे रोमन में लिखा हुआ है 4 और इसके बाद लिखा हुआ है 65536। ये हमारा लास्ट सेल एड्रेस होता है और इसी के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि लास्ट कॉलम नेम क्या होता है। तो यहाँ पे आप रोमन में देख पा रहे होंगे 4 लिखा हुआ है, ये लास्ट कॉलम नेम होता है हमारा। और अगर हम लास्ट सेल एड्रेस की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे सेल एड्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा पूछा जाता है कि टोटल कितनी नंबर ऑफ रो होते हैं एक्सेल 2003 में, तो 65536 टोटल नंबर ऑफ रो होते हैं। तो इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संभव है कि आप किसी वेब पेज को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। हम किसी भी वेब पेज को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया बहुत सारे मीडिया का मिश्रण है। बहुत सारे मीडिया मींस ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, इमेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम कंट्रोल आइकन नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अब देखिए यहां पे नीचे हमारा होता है टास्क बार इस जगह पे, और आप यहां पे देख पा रहे होंगे राइट साइड में जहां पे टाइम शो होता है, ये हमारा जो एरिया होता है वो नोटिफिकेशन एरिया होता है और यहीं पे हमारा वॉल्यूम कंट्रोल बटन होता है जिससे हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क 127.0.0 आपके लोकल आईपी ट्रैफिक होस्ट के लिए आरक्षित होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। और कई बार पूछा जाता है 127.0.0 किस तरीके का आईपी एड्रेस है, तो एक नेटवर्क आईपी एड्रेस होता है और इसको नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए इस आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू, आईपी ट्रैफिक होस्ट के लिए आरक्षित होता है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट होने के बाद ही वर्तनी और ग्रामर चेक कर सकते हैं, मींस ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक को हम चेक तभी कर पाएंगे जब हमारे फाइल में या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कोई टेक्स्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉल्स। अगर कोई टेक्स्ट हमारी फाइल में नहीं है तब भी ये फंक्शन काम करता है, उस केस में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो दिखेगा यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक नहीं है। ओके, और इसकी शॉर्टकट की होती है F7, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो ग्रामर चेक करने के लिए या स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो F7 होता है। और ये जरूरी नहीं होता है कि हम इस ऑप्शन को तभी यूज करेंगे या कर पाएंगे जब हमारी फाइल में टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट नहीं है तब भी इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे हमारे फाइल में टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कई कंप्यूटर किसी एक प्रिंटर से जुड़े होते हैं तब एक साथ प्रिंट दिया जा सकता है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अगर कई सारे कंप्यूटर किसी एक प्रिंटर से कनेक्ट हैं तो एक साथ सभी प्रिंटिंग के लिए एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या प्रिंट भेज सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले पहुंचेगी उसी ऑर्डर में हमारा जो प्रिंट आउट है वो निकलना स्टार्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के टेस्ट का लास्ट है। यदि किसी फाइल के 5 पेज को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेजेस। एक ऑप्शन होता है जहां पे आपको पेज फिल करना होता है, कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक एंड करना है। मींस अगर आप टोटल 5 पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो 1 to 5 तक प्रिंट करना है तो आप 1 और 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे Ctrl+20 की शॉर्टकट की हम यूज करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंटिंग का एक ऑप्शन आता है। तो अब यहाँ पे जब इसके ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस का एक ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं 2016 MS Word 2016 यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन चेंज हैं। अगर आप इससे पहले के वर्जन यूज कर रहे होंगे तो अलग से एक विंडो आता है, वहां पे भी इसी तरीके से पेजेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप 1, 5 करेंगे तो ऑटोमेटिक जब प्रिंट होगा तो 1 to 5 पेजेस हमें मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर आप 7 to 13 पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, मीन्स पेज नंबर 7 से 13 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो 7, 13 इस तरीके से लिखेंगे और ये 7 से 13 तक की पेजेस को प्रिंट करेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में हमारे वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी पे शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी के मैं हेल्प कर पाऊं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप चाहें तो मेल कर सकते हैं info@gmail.com। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें। जल्दी मैंने UPPCL TG2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर दी, उसके कुछ वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPPCL TG2 या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप हमारे इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CCC एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट चलता है आप इसको भी रेगुलर देखते रहिए, आपको इससे भी एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। ओके, आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप CCC एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।